गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्या, थ्री आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ए बैटरी, ठीक है। द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी 6 एम्पियर, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, 6 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। इफ वन ऑफ द बल्ब्स गेट्स फ्यूज, व्हाट विल बी द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा, समझ आया, क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन आइडेंटिकल बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, इसका भी R, इसका भी R, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसमें से करंट बैटरी से कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पीयर करंट जा रहा है। और आगे कह रहा है इफ़ वन ऑफ द बल्ब्स, यदि इनमें से कोई एक बल्ब, नहीं इनमें से कोई भी एक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो अब बैटरी से कितना करंट को ड्रॉन किया जाएगा जब एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तब, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं कि तीनों बल्ब भी सही है, फर्स्ट केस का निकाल रहे हैं, तीनों बल्ब सही है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या भी है, क्योंकि मेरे पास आई दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है। तो आर और आई से क्या निकालेंगे, भी निकालेंगे, नहीं क्योंकि मुझे सर्किट का निकालना है, भी निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, क्योंकि मुझे पता है कि भी जो होता है इन तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, इसलिए हम लोग उसी को लेकर चलेंगे। तो हम लोग निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, वन बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल क्या जाएगा, वन बाय आर, इसका भी आर प्लस इसका भी आर और इसका भी आर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, इसका एलसीएम तो 3 बाई आर हो जाएगा, हाँ मतलब इसका एलसीएम तो आर ही आएगा, ऊपर से 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 3 बाई आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा हमारा, हाँ आर बाई 3। ये ध्यान रखना आपको, आपको 1 बाई आर नहीं निकालना, आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, इसको प्लट देंगे, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ अब मेरे पास आई इक्वल टू क्या होता है, फ्रॉम ओम्स लॉ आई क्या होता है, वी बाई आर, वी बाई आर, और आर कितना हमारा, आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। आर कितना दिया हमारा, 6 एम्पियर दे रखा है, ठीक है। तो 6 इक्वल टू वी, अब बाई आर इक्विवेलेंट कितना है हमारा, आर बाई 3 है, तो आर नीचे है 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से तो कट जाए, कितना जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ से दे देंगे वी बाई आर, क्या लिखेंगे, आर इक्वल कितना 2, तो वी बाई आर क्या हमारा, आई तो होता है, वी बाई आर क्या है हमारा, आई, तो इसको मान सकते हैं 2 एम्पियर, मतलब इस वी बाई आर को हम लोग ओम्स लॉ देखे तो वी इक्वल क्या होता है, आई आर होता है, और आई इक्वल क्या होता है, वी बाई आर। तो वी बाई आर को रिप्लेस कर सकते हैं आई, तो हमारा जो वी बाई आर आया है वो क्या हमारा आई हुआ, क्या हुआ आई, तो इसलिए हमारा लिखेंगे 2 एम्पियर, तो इसका मतलब हो गया आई कितना हमारा हो गया 2 एम्पियर। क्या इस बात को हम समझे, मतलब ये जो सिंबल देख रहे थे वी बाई आर, इसको हमने रिप्लेस किया किससे, आई से, क्योंकि आई क्या होता है हमारा, वी बाई आर होता है, इसलिए, ठीक है यहाँ तक समझ गए। नाउ अब है केस सेकंड लेके चल रहे हैं, केस सेकंड में क्या कह रहा था हमारा, हाँ केस सेकंड, तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस यहाँ से हट जाएगा, और रेजिस्टेंस कितने जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना जाएगा, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, हाँ 2 बाई आर, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा हमारा, आर बाई 2, नौ, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो करंट क्या होता है हमारा, I इक्वल टू क्या होता है, हाँ I इक्वल टू वी बाई आर, और R कितना भी हमारा है सेकंड केस के लिए, R बाई 2 है, ठीक है। तो I इक्वल टू, ठीक है, तो वी बाई आर कितना आ गया हमारा, R इक्विवेलेंट R बाई 2 है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। और अभी देखो ये जो वी बाई आर है, वी बाई आर कितना हमारा है, 2 है, तो यहाँ पर इसको पुट करें 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, I इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। आप समझे बात को, हाँ चलिए। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए, क्वेश्चन क्या करना था कि मेरे पास इन तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ था और करंट दिया हुआ था, इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया टोटल, हाँ टोटल रेजिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, और टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से क्या फाइंड कर लेंगे, इसका आई फाइंड करें, मतलब वी बाई आर फाइंड किया, उसी वी बाई आर को हमने क्या बोल दिया, आई बोल दिया, ठीक है। अब केस सेकंड हमने क्या किया, एक बल्ब खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो उसका हमने क्या निकाल लिया, आर को निकाल लिया,
ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आई टू, फिर आई निकालना है मुझे, पूछा इसका आई कितना रहेगा, तो आई क्या होता है वी बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना हमारा था आर बाई टू, आई जो वी बाई आर था जो हमने फर्स्ट केस से निकाला था वहाँ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ से हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा।